हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम एक और डी डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ अजय मंथली एक्सपेंसेस। सो जो पाई चार्ट है इसमें क्या दिया गया है, जो अजय के मंथली एक्सपेंसेस हैं उनका ब्रेकअप दिया गया है कि वो अपने एक्सपेंसेस किस किस चीज़ पर खर्चा करता है, कितना कितना परसेंट। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ़ अजय स्पेंड रुपीज 4500 मोर ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर देन ही स्पेंड ऑन रेंट देन फाइंड हिज मंथली एक्सपेंसेस। सो हमें क्या बोला गया कि अगर अजय फूड और ट्रांसपोर्ट पे मिलाकर रेंट से 4500 रुपये ज़्यादा खर्च करता है तो बताइए उसके जो मंथ के पूरे एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास फूड प्लस ट्रांसपोर्ट ये ज़्यादा है किससे, रेंट से। कितना ज़्यादा है, 4500। तो देखिए फूड की परसेंटेज कितनी दे रखी है हमें, 22%, और ट्रांसपोर्ट की कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 8%। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, रेंट। तो देखिए रेंट कितना दे रखा है हमें, 15% दे रखा है। तो 15% माइनस किया तो ये किसके इक्वल होगा, 4500 के। तो देखिए ये कितना हो गया, 30% माइनस 15% इज इक्वल टू 4500। तो देखिए 15% की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4500 आ गई। तो हमने मंथ के पूरा एक्सपेंसेस निकालना है कि पूरे एक्सपेंसेस कितने हैं उसके, तो पूरा तो 100% होगा अपने पास। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 4500 डिवाइड बाई 15। तो देखिए 100% निकालना हमने, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 15 से 45 थ्री टाइम्स कटेगा, तो 20 एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे 100% बन गया, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 300 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 30,000। सो ऑप्शन 3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ अजय इंक्रीज हिज सेविंग्स विच इज करंटली 10% ऑफ हिज इनकम बाय 20% एंड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई 20%, देन हिज सेविंग्स वुड बी व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंसेस। सो हमें क्या बोला गया कि अजय अगर अपनी सेविंग्स 10% 20% इंक्रीज कर दे, जो कि करंटली उसकी सेविंग है कितनी है, 10% है उसकी इनकम का, और जो उसके एक्सपेंसेस हैं उनको 20% कम कर दे, तो जो उसकी सेविंग्स होगी, जो नई सेविंग्स बनेगी, वो एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट होगी। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमारी देखिए इनकम होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और हमें क्या बोला गया, जो सेविंग है अभी वो कितनी है उसकी, 10% है, तो जो बाकी होंगे वो एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, वो 90% होगा। तो देखिए हमें क्या बोला गया, जो सेविंग है वो कितना इंक्रीज कर देता है, प्लस 20%, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना डिक्रीज कर देता है, वो माइनस 20%। तो देखिए 90 का 20% कितना होता है, 10% तो 9 होता है, तो 10% का डबल यानी 9 का डबल 18 हो जाएगा, 20%, तो यानी माइनस 18% कर देंगे एक्सपेंडिचर, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 72%, ये इसका नया एक्सपेंडिचर आ गया। उसके बाद देखो सेविंग है वो 20% इंक्रीज हो रही है, तो देखिए 10% का 10% कितना होता है, 10 हटाएंगे पीछे से तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 10% की वैल्यू 1 है, तो 20% कितना होगा, 2 होगा, उसका डबल हो जाएगा, तो यानी प्लस 2% उसकी सेविंग इंक्रीज होगी, तो टोटल सेविंग कितनी होगी उसकी, जो नई बनेगी वो हो जाएगी 12%। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, जो ये वाली सेविंग है 12%, वो इस एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट बनती है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 12/72 × 100, तो देखिए 12 से कितना टाइम कटा, 6 टाइम कट जाएगा, तो देखिए 1/6 की हमारे पास इंटू 100, इसकी जो परसेंटेज में वैल्यू होती है वो क्या होती है इस फ्रैक्शन की, वो होती है हमारे पास 16.66%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2 ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया गया, अजय स्पेंड 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स ऑन एंटरटेनमेंट दिस अमाउंटेड टू ₹2100, फाइंड दिस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो हमें क्या बोला गया कि अजय ने अपनी 20% एक्सपेंडिचर जो अदर्स पे करता है, जितना एक्सपेंडिचर उसका 20% किस पे किया, एंटरटेनमेंट पे किया, तो जो कितना दिया हुआ है हमें, ₹2100 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि उसका एक्सपेंडिचर
एजुकेशन पे कितने हैं, देखिए एजुकेशन कितनी है हमारे पास 20% और जो अदर्स है वो कितने हैं 35%। तो यानी उसने पहले तो हमें क्या दिया गया, जो अदर्स के का एक्सपेंडिचर का 20%। तो 20% की देखिए मैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, तो आप इसको ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/5 तो कितना बचा हमारे पास, 7% बचा। तो यानी जो ये 7% है ये हमें क्या बोला गया कि उसने किस पे खर्च किया, एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। तो एंटरटेनमेंट पे उसने 7% खर्च किया और हमें वैल्यू दी गई है उसकी, वो कितना खर्च किया उसने 2100 रुपये खर्च किया। तो यानी हमें 7% की वैल्यू दी गई है 2100। और हमसे क्या बोला गया कि हमने एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखिए एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 20% है। तो यानी हमें 7% की वैल्यू पता है कितनी है, 7% इज इक्वल टू 2100। और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 20% की। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या होगी, 2100/7 हो जाएगी। और 20% हमने निकालना है, तो 20 इधर मल्टीप्लाई किया और 20 इधर मल्टीप्लाई किया। देखिए 7 से 21 3 टाइम्स कटा तो कितना बचा, 300। और ये कितना हो गया, 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6000। और इधर 20% बन जाएगा। तो देखिए एजुकेशन का कितना था, 20% था, 20% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6000। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइंड द एंगल मेड बाय एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड अदर्स टुगेदर। सो हमसे क्या पूछा गया कि हमने एंगल निकालना है डिग्रीज में, और किस किस का, जो रेंट है और दूसरा अदर्स, इन दोनों का टुगेदर। तो देखिए जो रेंट है, रेंट प्लस अदर्स, इसका हमने एंगल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, जो रेंट पे उसका कितना लग रहा है एक्सपेंडिचर, 15%, और जो अदर्स पे कितना लग रहा है, 35%। तो ये टोटल कितना हो गया, देखिए 50% हो गया। और देखिए जो पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्री होता है। और जो वैसे परसेंटेज में देखें तो वो कितना होता है, 100% होता है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमें देखिए कौन सी वैल्यू निकालनी है, 50% निकालनी है। तो 360 का हम 50% निकाल देंगे, 50% ऑफ 360। देखिए आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं 360 × 50/100 करके, तो ये कितना होएगा, देखिए 1/2, और 2 से ये कितना होएगा, 180। ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आपको सीधे ही अगर फ्रैक्शन आपने याद कर रखी है, 50% की तो इजी होती है, वो कितना होता है हमारे पास डायरेक्टली 1/2 होता है। तो 1/2 निकालना है 360 का, यानी हाफ करना होता है। जब भी किसी का 50% निकालना है तो हमने सीधा उसका हाफ कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। As prices dropped, Ajay's expenditure on clothes dropped by 10%. As a result of this, his expenditure on others decreased from 10,500 to ₹10,290. What percentage of his expenditure on others was spent on clothes? तो देखिए हमसे क्या बोला गया कि जो अजय का expenditure है वो clothes पे कितना drop हो गया, 10% ड्रॉप हो गया, यानी क्लोज पे उसका खर्चा 10% कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर था अदर्स के ऊपर वो कितना हो गया, पहले 10,500 होता था अदर्स के ऊपर, अभी कितना रह गया, 10,290 रह गया। तो हमसे क्या बोला गया कि जो क्लोज है वो एक्सपेंडिचर का, जो अदर्स पे एक्सपेंडिचर है उसका कितने परसेंट है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये अदर्स है, अदर्स कितना दे रखा है, टोटल अपने आप में तो 25% है, पर इसमें देखिए कई सारी चीज़ें लेके आ रहा है, उनमें से वो एक क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए क्लोज दे के आया, तो क्लोज पे उसका जो खर्चा था वो -10% हो गया, 10% कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, कम तो इसी में से होगा ना, पूरे 35% में से। अपने आप में ये क्लोज 100% है, पर वो है तो पार्ट इसी का, तो अगर क्लोज पे खर्चा कम होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू भी कम होगी। तो हमें वही वैल्यू दे रखी है कि पहले वो वैल्यू कितनी थी, 10,500 थी, और अभी कितनी रह गई है, वो 10,290 रह गई है। तो यानी जो वैल्यू क्लोज में कम हुई उसी की वजह से ये नेट इफेक्ट पड़ा। तो क्लोज में कितनी कम हुई है, 10% हुई है, 10% कम हो गई क्लोज में। तो देखिए उस पर फर्क कितना पड़ा, जो अभी यहाँ पे डिक्रीज हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा, जो क्लोज पे डिक्रीज हुआ। तो देखिए हमें पहले निकालना है डिक्रीज कितना हुआ, तो ये 210 का डिक्रीज हुआ। तो देखिए 10% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 210 होगी, यानी 10% ऑफ क्लोज इज इक्वल टू 210। तो देखिए जो टोटल खर्चा होगा क्लोज पे वो कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100% बन जाएगा।
और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो ये देखिए उसका क्लोज भी खर्चा कितना हो गया, 2100 हो गया। और हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर अदर्स वाज स्पेंट ऑन क्लोथ्स, तो देखिए 2100 और अदर्स पे खर्चा कितना हुआ 10500, ये 10500 का कितने परसेंट है, तो देखिए हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटी और देखिए 21 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो 1/5 × 100, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 20%। तो ये जो क्लोज पे खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स उसका कितने परसेंट बनेगा, 20% बनेगा। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।